ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान भाई, डिमांड आई है कि भैया भाई की नई वीडियो आई है इंस्टाग्राम रील्स द न्यू एज टिकटॉक, उस पर वीडियो बनाओ, रिएक्शन बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ बनाओ. तो हम रिएक्शन लेके आ गए क्योंकि हम बकचोद वीडियो लोग हैं. ऑलरेडी बना चुके ना वो. यस, तो भाई रिएक्शन लाए. भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने, वीडियो का भी भाई जरूर चेकआउट करना. भाई अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं हम, तो रिएक्शन दे रहे हैं भाई, अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं भाई. और अगर आपका मन करता है अकेले ना देखो, हमारे साथ थोड़ा बकचोद लोग मिल जाए साथ में देख के हंस लो, तो हमारा तो रिएक्शन ये देख लिया बकचोद करो. है. मैन्यू ये भी मैं बकचोद, मैं भी मैन्यू बकचोद, मेरा कुत्ता बकचोद, देखने वाले सारे वहाँ बकचोद. भाई कैस्पर गेमिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे गेमिंग चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लेना. लाइव स्ट्रीमिंग होती है 10 in the night. सारे गेम्स आते हैं, सारे तो नहीं आते, कहने को कह देते हैं वैसे ही. आप खुद आके देख लेना कौन सा गेम हम स्ट्रीम करते हैं. भाई तो शुरू करते हैं, ट्रिगर्ड भाई की वीडियो है, ट्रिगर्ड इंसान भाई की इंस्टाग्राम रील्स शुरू करते हैं. नहीं कर रहे हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि 36 एप्स आएंगी और 36 एप्स जाएंगी, 36 एप्स आएंगी और 36 एप्स जाएंगी, लेकिन YouTube बेस्ट है. कोई सेंस नहीं है, कोई राइम नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे बढ़ो. 8 अगस्त 2020 क्या था ये? मित्रों आज शाम से टिकटॉक बैन किया जाता है. मोदी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद यूट्यूबर्स और मीमर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई. टिकटॉक बैन, ओ भाई मजा आ गया. टिकटॉक बैन हो गया, निकल खाने टिकटॉक तो मेरा तो पूरा व्यवसाय निकल, अबे निकल. और हम बेवकूफ ये सोच के कि टिकटॉक बैन हो गया खुश होते रहे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इंस्टाग्राम रील्स ही टिकटॉक है. हेलो गाइस, आई एम सन्नी. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम भूतपूर्व बहुत ही कमाल की उंदा ऐप टिकटॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो टिकटॉक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आई है. रोपोसो, चिंगारी, ट्रेलर, रिजल, जोश, टकाटक, मौज, मौज मौज ये नाम है, ये आपका नाम है. एंड हम इंस्टाग्राम रील्स को कैसे भूल सकते हैं. तो हम देखने वाले हैं क्या ये सारी एप्स जो है ये टिकटॉक से बेटर है, क्या ये टिकटॉक ही है, बस भेस बदल के आ गया. शुरू हो गया भाई. क्या है इसका, क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन में लिखा है व्हेन समबडी फोटो बॉम्ब्स यू. नहीं मतलब अब बंदे को देखना चाहिए कि ओ सॉरी, ये जो जगह है इकलौता रास्ता है जो जाने का. आशिका जी यहाँ पे खड़े होके वीडियो बना रही है, तो नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, वरना आशिका जी ऐसे एक्सप्रेशन देंगे. ये पप्पी यहाँ पे क्यों है, माइक उल्टा क्यों है, मैं चेयर पे ऐसे बैठा हूँ. बहुत ही बढ़िया. सॉरी मैं कुछ नहीं बोल रहा. आशिका अमेजिंग वीडियो. आशिका मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, अनफॉलो करती है. अमेजिंग वीडियो, मजा आ गया ये वीडियो देख के, क्या एक्सप्रेशन दिया है. प्लीज डू नॉट फॉलो मी. ओके क्या ये पत्ता सांप, सांप है ना. देखो मैं कैसे जीप सॉल्व कर. पिछली जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था, तो फिर मैंने इसका हाउ टू बेसिक कर दिया था. मैं बहुत कॉफी पीता है. मेरे को पता नहीं था आप बाहर ही हो. स्किट तो यहाँ साहब, खाना मंत्री को साहब इस गरीब के पेट में चल जाएगा साहब, खाना मंत्री को साहब मुझे दे दो, मैं खा लूंगा साहब, मैं खा लूंगा, मैं खा लूंगा साहब. इतना दुख, इतना दर्द, इस गरीब के पेट में चल जाएगा. ये गरीब है गाइस, गरीब घराने से है. टीवी वाले सनु मलिक जी, ये गरीब है. भाई ये बंदा है रुदाली. रुदाली तुम्हें पता है क्या होते हैं? मैं रुदाली हूँ,
जब कोई दुनिया से चला जाता था तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता था। ये भाई है प्रोफेशनल रोने वाले, पहले ये टिकटॉक पे रोते थे, अब ये इंस्टाग्राम रील्स पे रोते हैं। ऐसा कुछ खाने को दो ना सब, ऐसा कुछ खाने को दो ना सब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। गाइस, इस बंदे को बहुत ही भयंकर लेवल की गरीबी हुई है। नहीं, मैंने बहुत गरीब देखे हैं, लेकिन ऐसे दौरे पड़े, ऐसी गरीबी कभी नहीं देखी यार। भैया आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक ट्वीट कर दो ना भैया, एक ट्वीट भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया। बस मेरे भाई, मैं हूँ, मैं करूंगा तेरे साथ ट्वीट, मैं करूंगा तेरे साथ ट्वीट। नमस्ते साहब, क्या करूँ साहब, आप तो जानते हैं साहब, कभी गरीब को खाने मिलता है तो कभी गरीब को नहीं मिलता है, जब मिल जाता है तो भगवान भरोसे उनका शुक्र गुजार है, जब नहीं मिल रहा खा लेते हैं साहब कुछ भी। मैंने पूछा, सो जाते हैं साहब, क्या करेंगे साहब। मैंने पूछा मजबूरी है, मैंने भगवान पूछा। ने गरीबी पैदा किया, क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैंने पूछा, गायर बोलेंगे ना फिर ऊपर से, तू जा रहे मर गया, तू जा रहे, अरे तू जा रही। गाइस, देखिए टिकटॉक हो या टकाटक, ये कब्ज वाली शक्ल बनाना लोग नहीं बंद करने वाले। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि दिस इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। देखिए टिकटॉक पे लौंडे बनाते थे ये गंदी सी शक्ल, अब टकाटक पे लड़कियां भी बना रही है। हैशटैग जेंडर इक्वालिटी, हैशटैग व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। क्या कहा, आना है, माफ कीजिएगा मोहतरमा, अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तारे जमीन पर, ये एक अलग ही ट्रेंड भाई अभी फैला हुआ है, जिसमें ऐसा बैकग्राउंड में गाना चला देते हैं और उसके ऊपर कुछ भी बोल देते हैं। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोलना है, बस बैकग्राउंड में ये सैड सा गरीबी वाला म्यूजिक चला दो, उसके ऊपर कुछ भी बोलो। इस वक्त घड़ी में 7 बजे हैं, इसके बाद 8 भी बजेंगे। ये हेडफोन है पर इनमें कोई आवाज नहीं है, ये फोन की बैटरी अभी 3% पे है, इसके बाद 4 भी होगी। कुछ भी बोल दो और साथ में ये वाली ट्यून चला दो तो भाई सैड शायरी हो जाएगी है। नाइस, किसी बात पे तालियां। सुनो भाई, वो भी टिकटॉक पे अटकाटक पे, मेरे को लग रहा था सिर्फ गाइस हमारी ऐसे की तैसी हुई है लॉकडाउन में, लॉकडाउन ने तो सल्लू भाई की भी लगा दी। लग गए। वैसे बात तो सही है, फिल्में विल्में आ नहीं रही है, घर पे वेले बैठे क्या करेंगे, टिकटॉक ही बनाएंगे, सॉरी टकाटक ही बनाएंगे तो फिर। दिल मत लगाइयो भाई, वरना पछताना पड़ेगा। पागल ही है। पागल नहीं हूँ मैं, वेट कर फिर देखते हैं पागल कौन बनता है। ये सब देखने के बाद मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, तो बैकग्राउंड में वही सैड गरीबी वाला म्यूजिक चलाया जाए प्लीज। तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे लेकिन टिकटॉकर को कैसे बैन करोगे, आज टिकटॉक है कल नहीं होगी, टकाटक होगी, मौज होगी, चिंगारी होगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो गाइस। गाइस अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो फिर मुझे बुरा लगेगा। गाइस वीडियो को लाइक करो एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी शुरू कर दूं क्या? गाइस आप बताओ इसको टकाटक पे या इंस्टाग्राम रील्स पे किस पे बकचोदी शुरू करनी चाहिए? जल्दी बताओ और ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, ये शायरी करेगी। आज मैंने खाना नहीं खाया, टू 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 टू। गाइस सच बता दूं ये जो एडिटिंग करेगी ना सबसे, मुझे अभी तक बेस्ट वाला पता है, मतलब इसमें क्या लगा कि वो देखा आपने लापरवाही का नतीजा, वो एकदम से आया था भाई, वो लापरवाही का था ये वाला, कैसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है, मैं गरीब हूँ, देखा लापरवाही का नतीजा, बोलियो बचपन में तो गजब।
भाई हैट्स ऑफ टू ट्रिगर भाई, जो गजब एडिटिंग करी ना भाई ने, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो यार सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, हमें अच्छी लगी थी सीरियसली, और एडिटिंग काफ़ी अच्छी थी। और ये रोस्ट होते हैं भाई, इनको ये एंजॉय करने के लिए, किसी के पर्सनली हर्ट करने के लिए नहीं होता। हम भी अगर वीडियो पर रिएक्शन दे तो हम भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि किसी को वीडियो पसंद आया, किसी ने बनाई है तो उसने भी सिर्फ आप लोग को हंसाने के लिए बनाई है। हाँ। वो किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई नहीं होता है, तो हेटरेड ना फैलाए इस चीज़ को लेकर ना। और बाकी लोग समझदार ही हैं। और भाई मजा आ गया, यस मजा आ गया। क्या है, मैं भी शुरू करूंगी टो टो yes, टो। गेमिंग चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में ही है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।